जितना भी सोना था ना वो सारा कुछ निकाल करके ले गए यहाँ से। यहाँ पर राजा बैठते थे और 264 एकड़ में ये बोलते हैं कि ये बना हुआ है। सो गाइज ये है मेरे पीछे जो उस टाइम की ये समझ लो बहुत ही फेमस मार्केट थी। यहाँ पर देखो जगह जगह पर मिलिट्री लगी हुई है यार। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वॉच द वर्ल्ड ब्यूटी। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो लाल किले के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे होटल के पास में ही लाल किला है। तो आज हम जाएंगे लाल किला और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहा है, और उसकी जो हिस्ट्री है, जो टाइमिंग है, जो प्राइस है, एंट्री फीस क्या क्या है, सारी कुछ डिटेल आज आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस व्लॉग में। और चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्लॉग यार अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे इस नए व्लॉग को। ओके सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर लाल किले में। ये है इसका मेन गेट, यहीं से जो हमारे जो पीएम होते हैं ना वो यहाँ से पब्लिक को संबोधित करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, जो टिकट जहाँ पर मिलता है ना वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं टिकट का प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो गाइज एक बात मैं यहाँ पर एक बात ये बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाहौरी गेट, जो कि अभी बंद किया हुआ है। तो नॉर्मली यहाँ पर लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, तो मैं अकेला था इसलिए सिक्योरिटी ने मुझे अलाउ कर दिया यहीं से आने के लिए। नहीं तो यहाँ का जो 2 नंबर गेट है ना वहाँ पर वो सिक्योरिटी बोल रहा है कि वहाँ से आने के लिए। सो गाइज ये देख लो, ये है यहाँ का लाल किले की मेन दीवार है, उसके बीच में ये है यहाँ पर बहुत ही बड़ा समझ लो कि नहर टाइप का बना के रखा। इसके अंदर बोलते हैं कि पानी छोड़ा जाता था उस टाइम में, ताकि रात के टाइम में या फिर जब कभी भी यहाँ पर वार हो तो अगर कोई आना चाहे तो इसके बीच में ही फंस जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। सो गाइज अभी मैंने यहाँ का जो टिकट है वो मैंने ले लिया, और जो टिकट प्राइस है वो अगर आप लाल किला घूमना चाहते हैं तो 50 रुपीज टिकट है। और अगर आप म्यूजियम के अंदर भी, यहाँ पर एक अंदर म्यूजियम है, म्यूजियम के अगर अंदर भी जाना है तो 80 रुपीज का टिकट है। सो चलो देखते हैं अंदर जाकर के क्या क्या सीन है अभी। ओके सो गाइज ये है यहाँ की मेन एंट्री जहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। और यहाँ पर देखो जगह जगह पर मिलिट्री लगी हुई है यार, तो इन लोग को देख करके थोड़ा सा वो होता है। और जैसे ही यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, एंट्री गेट पे ही यहाँ पर 2 तोप लगी हुई हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। सो गाइज अभी हम आ गए हैं अंदर लाल किले के अंदर। ये है यहाँ से एंट्री जहाँ से अभी हम होकर के आए हैं। ये कुछ यहाँ का सीन है, काफी अच्छा यार बनाया हुआ है, पहले भी यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ। तो अभी हम चलेंगे अंदर। तो गाइस अभी हम जो जा रहे हैं यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एक बाजार लगती है, मार्केट लगती है, जिसका नाम है छत्ता चौक, इसे कबड़ बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद में अगर कुछ सामान आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो गाइस अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक बाजार है, यहाँ पर मार्केट लगती है, जिसे छत्ता चौक कबड़ बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये चारों तरफ से कवर है, इसके लिए इसको जो है कबड़ बाजार बोलते हैं। ये समझ लो कि एक बहुत ही फेमस मार्केट हुआ करती, जब ये राजा महाराजा लोग जब यहाँ रहते थे उस टाइम की ये समझ लो बहुत ही फेमस मार्केट थी। अभी भी यहाँ पर जब कभी भी आप अगर यहाँ पर अंदर आएँ तो कुछ भी सामान लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ से छत्ता चौक से निकलने के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये है ड्रम हाउस, यानी VVIP, जहाँ पर VIP लोग जो आते होंगे उस टाइम में, उस जमाने में, तो उनका वेलकम करने के लिए ये जगह बनाई गई थी। तो हम पास से दिखाते हैं चल के। ओके सो गाइस यहाँ पर पूरे पूरे ग्रुप आते हैं गाइड को लेकर के, जो भी गाइड करता है यहाँ पर उसको गाइड जो होता है ना पूरी डिटेल्स हर जानकारी यहाँ पर देता है लाल किले के बारे में। तो यहाँ पर एक ग्रुप देख लो, उनमें एक गाइड है जो उन लोग को डिटेल दे रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है लाल किले के बारे में। तो आप कभी भी जब यहाँ पर आए तो अगर गाइड करना चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं। सो गाइज ये है मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है ड्रम हाउस, जहाँ पर VIP लोग आते थे और उनका स्वागत जो है बहुत ही VIP तरीके से किया जाता था, स्पेशल तरीके से किया जाता था, हर चीज़ का यार बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम किया जाता था जब राजा लोग यहाँ पर रहते थे। तो जैसे आजकल VIP लोग होते हैं तो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो उस दौर में भी ये सब चलता था। तो ये कुछ सीन है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरी चीज़ की ओर। ओके सो गाइस ये एक बात मैं चलते चलते मैं बता दूं कि ये जो लाल किला है ना इसको शाहजहां ने बनवाया था, जो उस वक्त के राजा थे। और इसके अलावा ये जो लाल किला अभी इसको सारे लोग लाल किला बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है ना
किला मुबारक इसका असली नाम था, और इसका लाल किला इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि ये लाल है, इसके लिए सारे लोग इसको लाल किला बोलने लगे, तो उसी वजह से इसका नाम लाल किला बोलते बोलते इसको लाल किला नाम ही पड़ गया। और इसकी अगर बनावट की बात करें कितनी दूरी में बना हुआ है, तो 264 एकड़ में बोलते हैं कि ये बना हुआ है लाल किला, तो काफ़ी बड़ा है यार। तो चलो चलते हम अगली जगह की ओर जो यहाँ पर देखने के लिए है। सो गाइज़, ये है दीवाने आम, जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बना हुआ, यहाँ पर राजा बैठते थे और वो लोगों की सुनवाई करते थे और फैसला करते थे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये ग्लास लगा के रखा हुआ है ताकि कोई अंदर ना जा सके, और इसके अलावा यहाँ पर बैरिकेशन भी लगा के रखा, ये बैरिकेशन लगा, उसके बाद में एक और यहाँ पर शीशे का वॉल बना के रखा, उसके बाद में भी एक ये पूरा चारों तरफ से कवर करके रखा है शीशे से ताकि कोई अंदर ना जा सके। सो गाइज़, अभी हमने आपको दिखाया दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों की जो राजा थे उस टाइम वो लोगों की सुनवाई करते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उनका सलूशन निकालते थे। तो काफ़ी अच्छा था यार सिस्टम, उन लोगों ने सब कुछ बनाया था। तो अभी हम चलेंगे जनाना महल, जो कि यहाँ से आगे है, तो देखते हैं चल के वहाँ का क्या सीन है। ओके, सो गाइज, ये है यहाँ का रंग महल, जिसे जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जगह है, यहाँ पर फुवारे बोलते हैं कि पहले हुआ करते थे, और यहाँ से फुवारे बहते हुए ये पूरा पानी वहाँ से वहाँ तक जाता था। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है, ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। और इसका ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर जनाना महल इसलिए कहा जाता था कि यहाँ उस वक्त में जो लेडीज़ होती थी ना, औरतें होती थी, वो यहाँ पर आती थी। और ये सामने जो विंडो दिख रही ना, यहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आती थी, जिससे कि आजकल एसी की हवा होती है ना, वैसे ही उस वक्त के ज़माने में समझ लो कि ठंडी हवा एकदम ओरिजिनल फ्रेश एयर आती थी। उस वक्त जो औरतें होती थी वो यहाँ पर आकर के इकट्ठी होती थी और हवा का जो है मज़ा लेती थी। सो गाइस, अभी हमने आपको दिखाया रंग महल, जिसे लोग जनाना महल के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर दीवाने खास, जहाँ पर उस ज़माने में जो वज़ीर लोग होते थे, जो मंत्री लोग होते थे, उनकी सुनवाई होती थी वहाँ पर, जो राजा सुनवाई करते थे। तो चलते हैं वहाँ पर। ओके, सो गाइज, ये है दीवाने खास, इसकी सारी डिटेल्स पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है। तो जब कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आकर के आप पढ़ भी सकते हैं हर चीज़ के बारे में। और ये है दीवाने खास, जहाँ पर लोगों की सुनवाई होती थी, जो उस टाइम में वजीर और जो मंत्री लोग होते थे ना, उनकी सुनवाई करते थे, उनके जो भी मैटर होते थे, जो भी कुछ करना होता था, तो यहाँ पर राजा सुनवाई करते थे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से पास से दिखा दूँ, ये जो पत्थर है आपको दूर से लग रहा होगा पेंटिंग, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है यार, ये वाकई में एक ओरिजिनल पत्थर है। और इसके अलावा अंदर देख लो कुछ इस तरीके का यह सीन बना हुआ। और यहाँ पर बोलते ये भी हैं, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जब अंग्रेज़ नहीं आते, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले ये जो जितनी भी छतें, जितनी भी पत्थर दिख रहे हैं ना, इनमें सोना लगा हुआ था। अंग्रेज के आने के बाद में ये जो जितना भी सोना था ना, वो सारा कुछ निकाल करके ले गए यहाँ से। तो ये कुछ यहाँ का सीन है। सो गाइज, अभी हमने आपको दिखाया ये जो दीवाने खास है वो दिखाया, अब हम यहाँ से चलेंगे मोती मस्जिद, और उसके पीछे की हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर जो इसकी डिटेल्स लिखी वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको आगे की इसकी कहानी बताता हूँ। ओके, तो ये है मोती मस्जिद की डिटेल्स, यहाँ पर जब कभी भी आप आएँ तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। और ये रही मोती मस्जिद, और इसके पीछे की ये हिस्ट्री है कि इसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो औरंगजेब जो थे वो पांचों वक्त के नमाजी थे, तो उनको तहज्जुब की नमाज़ जो है ना वो पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। तो उसके लिए उनको रात में बोलते हैं कि जो है जामा मस्जिद जाना पड़ता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे रात में जामा मस्जिद में जाना पड़ता है तहज्जुब की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने खुद पर्सनल अपनी ये मस्जिद बनवा ली अपने नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री है यहाँ पर। और अब हम इसके बाद में जाएंगे आगे का जो भी चीज़ें देखने के लिए वो हम देखते हैं चल के। ओके, वीडियो यार अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है। और पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि व्लॉग को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है यार। सो गाइज़, ये है सावन पवेलियन, जहाँ पर राजा रानी आकर के बैठते थे और अपना वक्त गुजारते थे सावन के महीने में। जब ये आप सावन मंडप देखेंगे ना, सावन पवेलियन,
तो इसी के जस्ट सामने यहाँ पर है जफर महल, और इसी में बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो उनका आखिरी दौर था यहाँ पर, उनको अंग्रेजों ने कैद करके यहीं पर रखा था। मुझे लग रहा है इसकी मेंटेनेंस कुछ भी काम भी नहीं होता, इसमें पूरा सूखा हुआ पड़ा है, ना ही कोई साफ सफाई है, और वो सामने देख लो बिल्कुल बेकार खंडर के जैसा अभी लग रहा है, ना ही उसमें लाइट काम कर रही है। और ये ऊपर इसके देखोगे तो कबूतर, बहुत सारे कबूतर बैठे वहाँ पर, इसका फोल्डिंग लगी हुई है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये कबूतरों का घर बन चुका है, क्योंकि पीछे इसके देखेंगे बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। तो गाइज ये देख लो, यहाँ पर मैं अभी जो बता रहा था, बहुत सारे यहाँ पर इसका फोल्डिंग इसके अंदर लगी हुई, उसकी इसका फोल्डिंग के ऊपर सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो यानी अब ये समझ लो कि कबूतरों का अड्डा यानी कबूतरों का घर बन चुका है। और एक चीज बता दूं कि ये लाल किला यार बहुत ही बड़ा है, कोई भी चीज देखनी तो बहुत ही दूरी दूरी पर है, तो इसीलिए 264 एकड़ में ये बसा हुआ है। तो यार इस व्लॉग को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो लाइक जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर। ओके गाइस, सो अभी मैंने जो लाल किला का जो भी एरिया है ना, हर चीज को मैंने ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया, हर चीज को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और वीडियो यार अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आप अगर पहली बार आए, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा कोई भी और व्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फिलहाल अगर आपको इंडिया की और लाल किले की जो हिस्ट्री है ना, इतिहास है, उसके बारे में अगर जानने की आपको रुचि है, आपको अगर शौक है इंडिया की जो हिस्ट्री उसको जानने में, या लाल किले की जो हिस्ट्री है उसको जानने में, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आकर के ट्राई करें। और इसकी जो लोकेशन है चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है, और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ओपन होता है, और मंडे के दिन ये बंद रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि मंडे के दिन आप कभी भी यहाँ पर ना आए, क्योंकि उस दिन ये बंद रहता है। बाकी अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मैं मिलूँगा फिर कहीं ना कहीं किसी और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।